छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और पूरे मामले में पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें शैली कि बदमाश 8 से 10 की संख्या में गए थे। ऐसे में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उसकी पहचान कर रही है। आपको बता दें शैली कि 8 से 10 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम मिलकर दिया है। वह मृतक छात्र बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। घटना पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां मृत छात्र का नाम हर्षराज है। हर्ष लॉ कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकला था, उस समय बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगा और जख्मी हालात में उसे PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सभी बदमाशों ने मास्क पहना हुआ था और घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गया। कुछ दिन पहले हर्ष का कुछ लोगों से विवाद हुआ था और आशंका जताई जा रही है कि उसी विवाद में उसकी हत्या की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। देखिए, आज पता चला था, ये सूचना मिली थी कि हर्षराज जो है BN कॉलेज में 3rd ईयर के वोकेशनल इंग्लिश कोर्स के विद्यार्थी थे, जो अपना एग्जाम देने के लिए सुल्तानगंज लॉ कॉलेज जो थाना अंतर्गत स्थित है वहाँ वो एग्ज़ाम देने गए थे। वहीं पर उपस्थित कुछ छात्रों ने बताया कि 10-15 की संख्या में जो मास्क पहने हुए लड़के वहाँ पे आए थे और लाठी और डंडा से उनको मारना जो है वो शुरू कर दिए। उसके बाद जो इनको हर्षराज को उनके जो दोस्त थे वहाँ पे उनके द्वारा जब उनको लाया गया PMCH के इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ जो है इलाजरत में उनकी जो है मृत्यु हो गई है। अभी परिजनों से जो है सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी अग्रतर कार्रवाई है, हमारी FSL की टीम जो है वो पहुँच चुकी है घटनास्थल पे, डॉग स्क्वाड है वो भी वहाँ पहुँच चुका है और हमारी जो भी टेक्निकल टीम है और हमारे जो सुल्तानगंज थाना, बहादुरपुर थाना, अगल बगल के सभी जो थाना है और ASP सिटी के साथ में जो है इस पूरे घटनाक्रम को जो है अभी इसमें अनुसंधान किया जा रहा है सभी बिंदुओं पे। और परिजनों से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात जो भी एविडेंस आएंगे उसके आधार पे जो है फिर हम कार्रवाई करेंगे। घटना का कारण क्या है? देखिए, कारण का जो है अभी कुछ मुख्य पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जैसा कि इनके दोस्तों और इनके परिवारजनों द्वारा बताया गया था कि ये काफ़ी सोशली एक्टिव थे, तो पिछले साल दशहरा में बता रहे हैं कि कुछ कॉलेज फेस्ट जो इनके द्वारा कराया गया था उसमें कुछ विवाद हुआ था, उसमें ही कुछ जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उससे संबंधित कुछ ये घटना हो सकती है। अभी अन्य बिंदुओं पर भी हम साक्ष्य संकलित कर रहे हैं और जो भी परिजनों द्वारा बताया जाएगा और उसके अलावा जो भी अनुसंधान के क्रम में आएगा वो लाया जाएगा और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विवाद किससे हुआ? देखिए, ये अभी तक नहीं बताया गया है और उसमें यही बताया गया है कि विवाद हुआ था, लेकिन किनके साथ हुआ था ये अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं। देखिए, अभी हम कुछ आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हमको कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ईंट पत्थर से भी जो है हमला करते उसमें बताया गया है कि ईंट से भी मारा गया है, इसीलिए FSL टीम को भी जो है वहाँ बुलाया गया है। FSL टीम भी वहाँ जाके PO पे जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है, उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की भी टीम गई है वहाँ पे, उसमें भी कोई एविडेंस आएगा। देखिए, हम आपको भी बता रहे हैं कि ये बहुत जल्दी होगा, आप इतना जंप करना, अभी परिजनों का जो है वो जब वो बताएंगे अपना आवेदन देंगे उसके आधार पे फिर। कहाँ पे हुआ था ये? लॉ कॉलेज के कैंपस के अंदर ऑडिटोरियम है, अब जब ये अंदर प्रवेश करते हैं लॉ कॉलेज। देखिए, फुटेज अब वहाँ उपलब्ध नहीं है, पता कराया गया कि भाई फुटेज वहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ वीडियो जो है वो अगर जो भी रास्ते के वीडियो वगैरह होंगे उसको जो है हम देख रहे हैं, कुछ कुछ जो भी इसमें टेक्निकल एविडेंस आएगा उसके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे।